गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 3। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 4 का सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों इंक्लूडेड है। ये आपको बुक के पेज नंबर 36 में मिलेगा, तो आप बुक का पेज नंबर 36 भी ओपन करके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं हॉट्स क्वेश्चन देखती हूँ। हॉट्स का मतलब होता है जो ई है। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब कुछ हटके आपको सोचना है। ओके, बिल्कुल अलग दिमाग लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम? सॉलिड्स का फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? आंसर इज सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज टुगेदर एंड अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। सॉलिड्स का फिक्स शेप इसलिए होता है, फिक्स वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक अरेंज्ड वे में होते हैं, पैटर्न में बने हुए होते हैं, एक फिक्स जगह लेते हैं। दैट्स वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप। क्वेश्चन नंबर टू, कैन वी मिक्स सॉलिड्स एंड गैसेज इन वाटर? जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स। क्या हम सॉलिड्स और गैस को पानी में मिक्स कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स के साथ बताइएगा। सो द आंसर इज येस, वी कैन मिक्स सॉलिड्स एंड गैसेज इन वाटर। हम लोग सॉलिड्स और गैस को वाटर में मिक्स कर सकते हैं। वी कैन मिक्स सॉलिड्स लाइक शुगर एंड कॉफी इन वाटर एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हम लोग शुगर, नमक, चीनी नमक और कॉफ़ी को पानी में मिक्स कर सकते हैं और इसके मिक्सचर को भी बोलते हैं सॉल्यूशन। उसी तरह गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर। ये सब पानी में घुले हुए होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग एफ। व्हाट इज मैटर? मैटर किसे कहते हैं? आंसर इज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, वजन हो और स्पेस लेता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर की तीन स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो आंसर इज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर सम प्रोसेस थ्रू विच मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? कौन सा प्रोसेस है जिससे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाते हैं? सो आंसर इज मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग आर सम प्रोसेस थ्रू विच मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इन सारे प्रोसेस के थ्रू मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाते हैं। ठीक है, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड है तो गैस बन जाएंगे, मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज़ फ्रीजिंग डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग? फ्रीजिंग जो है वो मेल्टिंग से अलग कैसे होता है? आंसर इज फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, वेयर एज मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस बाई विच अ सॉलिड टर्न्स इंटू लिक्विड ऑन हीटिंग। फ्रीजिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है ठंडा होने पर, और मेल्टिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है गर्म होने पर। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ आर, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट फ्रॉम इच अदर? सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? सो सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें तीन कॉलम दिया है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, ताकि डिफरेंशिएट करने में आसान रहे। तो फर्स्ट आप भी इसी तरीके से दे दोगे। तो सॉलिड में मैंने फर्स्ट क्या लिखा है? सॉलिड हैज़ फिक्स शेप, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, पता है आपको। लिक्विड में वही क्या? लिक्विड डिज नॉट हैव फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और गैस में भी सेम, गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप, इसका भी कोई निश्चित शेप, निश्चित आकार नहीं होता है। सॉलिड में दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने? सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकता है।
लिक्विड में मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट कैन फ्लो, ये बह सकता है, और गैस में मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट कैन फ्लो। ओके, थर्ड पॉइंट, इट टेक्स अप अ डेफिनेट स्पेस, सॉलिड जो एक निश्चित स्पेस लेता है, जितने अगर हम बुक को रखते हैं तो जितना दूर उसका जगह होगा उतना ही लेगा। लिक्विड, इट टेक्स अप अ डेफिनेट स्पेस व्हाइल प्लेस्ड इन अ कंटेनर, लेकिन लिक्विड को तभी वो उतना स्पेस ले पाएगा जब उसको कंटेनर में डालेंगे। अगर उसको बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का ही उतना स्पेस लेगा, अगर उसको बाउल में डाल दें, कटोरे में डाल दें, तो कटोरे जितना ही स्पेस लेता है। लेकिन गैस टेक्स अप ऑल द स्पेस अवेलेबल, गैस क्या होगा, वो जितना भी स्पेस हो वो सारा ले लेता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, अगर आप कोई भी डीओ स्प्रे करते हो तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इनफैक्ट बहुत दूर दूर तक फैलने लगती है। तो ये गैस की प्रॉपर्टी के कारण ये ऐसा हो पाता है। तो आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है, और अब आप लोग का क्या काम है कि आप इसे नोट डाउन कर लो और लर्न करना शुरू कर दो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।